हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीसीपी की गाड़ी को घेरा, मुख्य दर्शक बने एएसआई सहित तीन सस्पेंड। जोधपुर में पुलिस उपायुक्त पश्चिम मोनिका सेन की कार को कांकाणी की सरहद में रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने घेर लिया। वहां गश्त पर रही पुलिस के एएसआई और कांस्टेबल मुख्य दर्शक बने रहे। इस पर डीसीपी ने आदेश जारी कर आज एएसआई और दो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। डीसीपी वेस्ट मोनिका सेन एक प्राइवेट गाड़ी से जिले के झवर, लूनी, कुड़ी और बासनी थानों के इलाकों में औचक निरीक्षण के लिए निकली थी। उनके गनमैन और चालक भी सिविल ड्रेस में साथ थे। वे कांकाणी क्षेत्र में पहुंचते ही वहां होटल के बाहर कुछ लड़कों ने उनकी कार को रोक लिया। लूनी थाने का गश्ती दल भी वही मौजूद था, लेकिन दल ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए डीसीपी ने एएसआई हमीर सिंह, कांस्टेबल कुलदीप सिंह और चालक वालाराम को सस्पेंड कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद गाड़ी रोकने वाले युवकों की तलाश में जुटी लूनी थाने की टीम ने कुड़ी निवासी ओम प्रकाश विश्नोई पुत्र जोराराम, कांकाणी निवासी भिकाराम पुत्र जगलमालाराम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें एक गाड़ी में शिकारियों के होने की सूचना मिली थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।